सो आज के इस वीडियो में दोस्त हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए सर्चेबल टैग्स यानी कि जो रैंकिंग वाले टैग्स होते हैं उससे आप कहां से निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं। जी हां दोस्त, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको भली बात ही पता होगा दोस्त कि एक सर्चेबल टैग्स का क्या वैल्यू होता है वीडियो में। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने वीडियो में सर्चेबल टैग्स यानी कि जो रैंकिंग वाले टैग्स होता है अगर आप उसे यूज करेंगे तो उस वीडियो में दोस्त आपको रिस्पॉन्स जो है अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे, उस वीडियो पर आपको अच्छे खासे व्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे और वीडियो में दम रहा दोस्त तो वीडियो वायरल भी हो सकता है। बहुत सारा वीडियो सर्च लिस्ट से ही अच्छे खासे वायरल हो जाता है। तब चलिए बिना समय बर्बाद किए दोस्त हम आपको लेके चलते हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे और वहां पर आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां से आप अपने वीडियो के लिए सर्चेबल टैग्स को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्त आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को ही ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको आना है सर्च बार में और यहाँ पर दोस्त आप जिस टॉपिक पर वीडियो को बनाएं उसके टाइटल को यहाँ पर आपको डाल के सर्च कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्त यहाँ पर आपको देखिए 3 डॉट को टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर टाइप करना है, इसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको एक फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको फिल्टर्स के ऊपर टैप करना है। इसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको देखिए एनी टाइम पर रहेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको क्या पे क्लिक करना है, दिस वीक पे, ठीक है, या तो आप दिस मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिस मंथ को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद दोस्त इस मंथ में जितने भी वीडियो यहाँ पे वायरल हुए रहेंगे सारे वीडियो यहाँ पर आपको मिले जुले मिल जाएंगे, चाहे वो गेमिंग वाला हो या कुछ भी हो, मतलब सारे वीडियो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्त आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि किस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे भी 11 दिन पहले स्प्रेंडिंग ज्ञान जी का वीडियो डाला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 92 के इस पे व्यूज आ चुका है। तो इस वीडियो में दोस्त कुछ ऐसे टैग्स डाले हुए होंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज किए होंगे जो कि एकदम बिल्कुल सर्चेबल होंगे। तो आपको करना क्या दोस्त, आपको वीडियो को प्ले करना है, ठीक है। वीडियो को प्ले करने के बाद दोस्त आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि वीडियो से रिलेटेड कितने कीवर्ड्स यहाँ पे डाले गए हैं और वो सारे कीवर्ड्स को दोस्त आपको उठाना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्चेबल कीवर्ड्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो देखिए बहुत सारे जो कीवर्ड्स है सर्चेबल ही है। तो सारे कीवर्ड्स को दोस्त आपको उठाना है और आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी तरह से वहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है और जो हैशटैग वाला भी है इसे भी आपको उठाना है। बस चैनल के नाम को आप छोड़ सकते हैं या तो ले भी सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से आपको सारे जो वीडियो से रिलेटेड टैग्स है सारे टैग्स को उठाना है और आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इस वीडियो के टैग्स में क्या डाला हुआ है वो भी हम आपको चेक करके बताते हैं। तो इसके लिए दोस्त आपको करना क्या है, शेयर के ऊपर टैप करना है और आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की आवश्यकता भी होगी दोस्त। उस एप्लीकेशन का नाम टैगयू है और ये एप्लीकेशन दोस्त आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहां से आप जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्त आपको इसी एप्लीकेशन पर शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर करने के बाद दोस्त यहाँ पे देखेंगे तो चेक का एक ऑप्शन मिलता है, तो चेक के ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्त उस वीडियो में जितने भी टैग्स डाले हुए रहेंगे सारे टैग्स आपके सामने खुल जाएंगे, सारे टैग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहां से दोस्त देखिए आप एक साथ सभी को कॉपी कर सकते हैं या तो आप कॉपी कर करके जैसे मतलब लगाया हुआ है टैग्स उसी तरह से दोस्त आप अपने वीडियो में भी टैग्स में लगा सकते हैं। एक एक यहां से देखिए यहां से मतलब इस तरह से कॉपी कीजिएगा, इसके बाद अपने YT स्टूडियो में जाकर वहां पर पेस्ट कीजिएगा, फिर से यहां पर आप आइएगा, इसे हटाइएगा, फिर से आप इसे कॉपी कीजिएगा, फिर से वहां पर पेस्ट कीजिएगा। तो इस तरह से दोस्त वहां पर आप जाकर पेस्ट करके एकदम सेम इसी तरह से आपको अपने वीडियो के SEO करके अपलोड करते जाना है। मेरा यकीन मानिए दोस्त कि अगर आप लगातार अपने वीडियो को इस तरह से SEO करते हैं, इस तरह से आप अपने वीडियो में टैग्स को लगाते हैं तो पक्का है दोस्त कि आपका वीडियो रैंक करेगा ही करेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।